हर्षल, मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं डैंड्रफ की। जी हाँ, विंटर में सबसे बड़ी समस्या है ये डैंड्रफ, क्योंकि हवा बहुत ठंडी होती है, बहुत ही रूखी होती है, सो हमारी स्कैल्प की नमी को छीन लेता है और डैंड्रफ जो है खुश्की जिसे कहते हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाती है, तो खुश्की जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हेयर वॉश हम लोग कम करते हैं फिल्टर में। यार एक बार महीने में एक बार क्यों हेयर वॉश करते हो, कम से कम वीक में आपको 2 टाइम हेयर वॉश करना चाहिए, क्योंकि हेयर वॉश करने से हमारी हमारी जो स्कैल्प की गंदगी होती है, ठीक है, वो क्लीन होता है। धूल मिट्टी प्रदूषण डेड स्किन ये सब क्लीन होता है। अगर साफ नहीं करोगे तो वही बैठी रहेगी और फिर डैंड्रफ बढ़ता रहेगा। और दूसरी बात गलती ये है कि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार हम तो हेयर वॉश करते हैं, लेकिन आप करते हो गर्म पानी से हेयर वॉश। गर्म पानी से कभी भी हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। अगर आप गर्म पानी यूज करते हो हेयर वॉश करने के लिए, जिससे आपको डैंड्रफ हो जाता है। और हाँ, मुझे जो कारण लगता है कि एक ही कंघी होती है घर में जिससे पूरा परिवार हेयर क्या करता है, हेयर वॉश नहीं करता, सॉरी हेयर कॉम्ब करता है, ठीक है, पूरा परिवार हेयर कॉम्ब करता है, कंघी से अपने बालों को झाड़ता है, तो एक को डैंड्रफ हुआ तो वो दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है। तो कभी भी कंघी जो होती है वो शेयर नहीं करना चाहिए, सबकी अलग अलग कंघी होना चाहिए। जी हाँ यार, इतना तो कर ही लो, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और, ठंडी होती है ना तो जिसकी भी कैप मिलती है, मम्मी पापा भैया सबकी कैप हम लोग लगा लेते हैं, यार ये गलत तरीका है। कभी भी कैप हमें शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे कंघी से डैंड्रफ ट्रांसफर हो सकता है ना, वैसे कैप से भी डैंड्रफ ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो कभी भी कैप को भी एक दूसरे से मत ट्रांसफर किया करो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये मेजर कारण है डैंड्रफ होने के लिए। और मुझे एक लगता है कुछ लोगों की आदत होती है ना, वैसे अब कम हो गया, लेकिन आदत होती है ना हेयर ऑयल लगा लगा के, कोई भी बाल को कोई भी दिन छोड़ेंगे नहीं यार, कितना हेयर ऑयल आप लोग लगाते हो, यानी आपके बाल ना हो गया ऐसे पकौड़ा हो गया है, ठीक है। हाँ, उसमें ज़्यादा ऑयल होता है ना, तो हेयर ऑयल हमें लगाने का एक तरीका ये होता है कि हेयर ऑयल जब भी हम हेयर वॉश करने जाएं उसके आधा घंटे पहले अपने बालों पे अप्लाई करें, या फिर ओवरनाइट के लिए अप्लाई करें और दूसरे दिन हेयर वॉश कर लें। अगर यार हेयर ऑयल बहुत ज़्यादा आपके बालों में रहेगा तो गंदगी ना आपके बालों में चिपकेगी आकर, भैया मैग्नेट हो जाएंगे आपके हेयर, तो बहुत ज़्यादा गंदगी चिपकेगी, तो गंदगी ना चिपके। अगर गंदगी चिपकी तो यार आपको डैंड्रफ हो रहा है। और डैंड्रफ क्या क्या करेगा ये भी सुन लो, डैंड्रफ क्या करेगा, आपका हेयर फॉल बढ़ा देगा, यानी बाल गिरने स्टार्ट हो जाएंगे और गंजापन तक भी आ जाता है, ठीक है। ये डैंड्रफ ना बहुत ही बुरा है। और ये कॉल को अभी यार गलत टाइम पे हमेशा कॉल करती है, बंद करो अब ना करना, ठीक है। तो डैंड्रफ जो होता है ना, सॉरी मैं क्या बता रही थी, मम्मी ना डिस्टर्ब करते हैं हमेशा, तो बाल पकौड़ा, हाँ मैंने ऐसे बोला था, तो मम्मा क्या करना था, हाँ तो आप अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होगा तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, बालों में खुजली हो सकती है, बालों में फंगस हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको डैंड्रफ है तो त्वचा संक्रमण, स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे सोराइसिस यहाँ पर नहीं हो जाता, यहाँ हो जाता है, गर्दन पर हो जाता है, स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, डैंड्रफ का मेजर कारण है, ठीक है। आपको सोराइसिस भी हो सकता है। इसके अलावा आपके चेहरे पर पिंपल्स या एक्ने भी आ सकते हैं। अब ये बोलोगे ये डैंड्रफ से पिंपल्स और एक्ने का क्या लेना देना है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डैंड्रफ रहेगा, गंदगी रहेगा तो आपके फेस पर झड़ेगा, यहाँ का फंगस आपके फेस पर झड़कर आएगा, तो जाहिर सी बात है आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एक्ने पिंपल्स भी हो सकते हैं। डैंड्रफ को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने हेयर को वॉश करते रहिए टाइमली। तो इसके लिए आप एक अच्छा सा डैंड्रफ कंट्रोल करने का शैम्पू ले लीजिए, ठीक है, जो डैंड्रफ को कंट्रोल करे। दूसरा है हेयर ऑयल करना। जी हाँ, वीक में कम से कम 2 बार आपको हेयर वॉश करना है, तो 2 बार कम से कम हेयर ऑयल लगाना ही है। तो हेयर ऑयल भी वो चुनिए जो डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इस वक्त मैं जो हेयर ऑयल यूज कर रही हूँ ये हेयर ऑयल है नीमली नेचुरल का हेयर ऑयल। ये हेयर ऑयल डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। इसके ऊपर आप इसके कार्डबोर्ड में देख सकते हो, इसके ऊपर लिखा हुआ है स्कैल्प रेस्क्यू, यानी स्कैल्प की हेल्थ को इंक्रीज करता है, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये 100% नेचुरल है, होममेड है, क्वालिटी फ्री एंड वेगन भी है,
एंड ये स्पेशली बना है डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए, फंगस को क्लीन करने के लिए, और जो स्कैल्प पे इचनेस होती है, रेडनेस होती है, उसे कंट्रोल करता है। तो इस वक्त मैं ये हेयर ऑयल यूज कर रही हूँ, आप देख सकते हो, जो स्पेशली स्कैल्प की हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए बना है। तो आप इस तरह का कोई भी हेयर ऑयल ट्राई कर सकते हो। फिलहाल मैं ये हेयर ऑयल ट्राई कर रही हूँ, अगर आप भी हेयर ऑयल ट्राई करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये तो बहुत इजी तरीके हैं, यानी शैम्पू ले लो और हेयर ऑयल ले लो। इसके अलावा आप घर के भी होममेड तरीके हैं जिनको भी आप ट्राई कर सकते हो। तो होममेड तरीके में सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगता है कि आप डिटॉल ले लो, ठीक है, थोड़ा सा लेना, बहुत ज़्यादा डिटॉल नहीं लेना, आपको डिटॉल लेना, उसमें आप एक नींबू निचोड़ दो, ठीक है, इसको अपने स्कैल्प पे लगाओ। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना, तो थोड़ी सी झंझनाहट लगेगी, यानी कुछ करंट टाइप का लगेगा, या फिर खुजली टाइप की आप कह सकते हो, वो हो सकती है, बट ये थोड़ी देर के लिए, यहाँ शायद 30 सेकेंड के लिए, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। और यह आपको 10 से 15 मिनट के लिए अप्लाई करना, उसके बाद आपको हेयर वॉश कर लेना, ठीक है। दूसरा बहुत अच्छा तरीका है, आप नारियल ले लीजिए, ठीक है, नारियल का तेल, सॉरी नारियल नहीं, कोकोनट ऑयल ले लीजिए और उसमें मिला लीजिए कपूर। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, दोनों को मिक्स करके भी आप रख सकते हो एक शीशी में, ठीक है, सर्दियों में हाथ पैर में भी लगा सकते हो, अगर आपको सोरासिस की प्रॉब्लम भी है, यहाँ पे फंगस हो गया है, तो उसमें भी आप लगा सकते हो, पिंपल्स को भी कंट्रोल करने में लगा सकते हो। पर डैंड्रफ की बात कर रहे हैं, डैंड्रफ पे आओ, तो ये डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकता है, यानी जब भी आपको हेयर ऑयल करना है तो आप ये ऑयल यूज कर सकते हो, नारियल का तेल और कपूर वाला, और उसके बाद अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए और आधे घंटे बाद हेयर वॉश कर लीजिए, आप इसको भी यूज कर सकते हो। तीसरा बहुत अच्छा तरीका है, आप बेसन ले लीजिए, एक ग्लास पानी में बेसन जो है उसे घोल लीजिए, ठीक है, एक ग्लास पानी में घोल लीजिए और इससे हेयर वॉश करिए, ठीक है, वीक में 2 बार आपको करना है, ठीक है, मैं 2 बार से ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, पर अगर आप चाहो तो 3 बार कर सकते हो, अगर हेयर वॉश ज़्यादा करते हो तो। आप इससे अपने हेयर को वॉश करिए, जिससे भी डैंड्रफ कंट्रोल होता है। साथ में आप दही से भी हेयर वॉश कर सकते हो, ठीक है, जिससे भी डैंड्रफ कंट्रोल होता है। तो ये चारों तरीके बहुत ज़्यादा कारगर हैं, आप इनमें से कोई भी तरीका ट्राई कर सकते हो। क्या करना है आपको, शैम्पू हेयर ऑयल बहुत चुन कर लेना है, साथ ही ये 4 तरीके हैं, ठीक है, इन 4 तरीकों में से जो भी आपको बेस्ट लगे आप इसे ट्राई कर सकते हो, डैंड्रफ 100% कंट्रोल हो जाएगा, ये मेरी गारंटी, आप ज़रूर ट्राई करो। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने आज की वीडियो के माध्यम से शेयर की, पर ये जानकारी बहुत ही काम की है। तो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और तरीका हो जो मुझे ना पता हो, लेकिन आपको लगता हो कि हाँ इससे डैंड्रफ कंट्रोल हो सकता है, तो आप वो भी मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये आज का वीडियो यूजफुल हो आपके लिए, यूजफुल हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।